I made this in an instant to create the distance. Yeah, yo, let me kill it though. Okay. Sick of all the love songs. Yeah, I think I'm done with that. So I had to make a beat so they could really hear me rap. You don't wanna hear me snap. If you think you better, well then please step up the bat. Otherwise, just take it back. Freestyle on a road trip. Put up your best and I'll roast it. So hey guys, welcome back to the channel. This is another good day. भाई तो आज आज हमने अपनी बाइक निकाली है एंड मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए बजाजियो शोरूम, क्योंकि वहाँ पे NS125 की लॉन्चिंग. तो हाँ जी, समझ जाओ, आने वाले टाइम पे उसका भी एक रिव्यू वीडियो आएगा. वैसे तो अभी तो आज तो लॉन्चिंग है, तो लेट्स सी. वैसे मुझे आइडिया इतना ही है कि वो पूरी की पूरी जैसे 160 थी अपने पास NS160, वैसी होने वाली है 125 भी, मतलब जहाँ तक मेरा आइडिया है. बट कलर स्कीम क्या होगी उसका कोई आइडिया नहीं है. तो अभी फ़िलहाल वहीं पे चलते हैं फटाफट से और वहीं पे जाके देखते हैं. तो जब ये वीडियो शूट हो रही होगी उसी दिन पे मेरी एग्जॉस्ट की वीडियो आएगी, यानी कि आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आने वाले हैं. तो स्टे ट्यून्ड एंड भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. मैं सबको यही बोलता रहता हूँ और मैं बोलता रहूँगा. तो आपके एक सब्सक्राइब से मुझे जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ. तो अभी फ़िलहाल के लिए वहीं चल रहे हैं, बजाज के शोरूम पे जा रहे हैं एंड वहाँ जाके देखते हैं 125 NS125 कैसी है, क्या कलर्स आए हैं, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे आज. मैं पहुँच चुका हूँ एंड अभी मयंक भैया का फ़ोन भी आया था कि कहाँ हो. सो हर कोई वेट कर रहा है वहाँ पे. खैर मेरा नहीं, शो शुरू होने का वेट, शो मतलब लॉन्चिंग शुरू होने का वेट कर रहा है. तो हम भी टाइम से पहुँच चुके हैं और भाई साहब गलियों में ऐसी ग्राउलिंग आ रही है ना इसकी. बर्थडे भाई, आज तो पार्टी फिर. Power delivery and immediate throttle response.
द पावर आउटपुट ऑफ 12 वी इट मेक्स इट इन द हाइएस्ट इन सेगमेंट. सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल शो यू सम एक्स्ट्रा फीचर ऑफ पल्सर NS125. द फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल इज 12 लीटर. इट कम्स इन अ 5 गियर्स 1 डाउन 4. द बोथ टायर्स आर ट्यूबलेस. द डायमेंशन ऑफ द टायर इज 17 इंच. ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द व्हीकल इज एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम. फ्रंट ब्रेक इज डिस्क ब्रेक विच इज 240 mm डिस्क डायर एंड द रियर ब्रेक इज ड्रम ब्रेक विद 130 mm ड्रम ब्रेक. द कर्व वेट ऑफ द व्हीकल इज 144 kg. सो दीज आर द ऑल फीचर ऑफ द पल्सर NS125. सो इफ एनीवन हैज द पल्सर NS125 इज कम विद अ 4 एक्साइटिंग कलर्स बीच ब्लू ईटर ग्रे बर्न रेड एंड फेरी ऑरेंज. द शोरूम ऑफ द पल्सर NS125 इन देहरादून इज 95,520 rupees. सो इफ एनीवन हैव एनी टाइप ऑफ डाउट अबाउट द व्हीकल सो प्लीज कॉन्टैक्ट मयूर बजाज. द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मयूर बजाज इज 9675-919393. ओके तो लॉन्चिंग ख़त्म हो गई है. अभी घर वापस जाया जा रहा है. सीरियसली अगर एक शॉर्ट रिव्यू दूँ तो मुझे नेकेड स्पोर्ट्स जैसे नेकेड स्पोर्ट्स में 125 निकाली है उस हिसाब से पल्सर 125 से फार बेटर लग रही है. देखो प्राइसिंग तो कहीं ना कहीं बढ़ी जाती है बट ये कि अच्छे लुक में आपको एक प्यारी बाइक जिसके अंदर आपको पिकअप एवरेज सारी चीज़ें मिल जाती है और फिर कॉम्बिनेटिंग बाइक के हिसाब से भी काफ़ी बेटर है. कार्बोरेटर इंजन है बट काफ़ी ज़्यादा बेटर है और कलर स्कीम तो काफ़ी अच्छी है. जैसे अभी मैंने फेरी ऑरेंज देखा एंड बर्न रेड तो लाइक मेरे को अच्छा लगता है तो वो चीज़ें भी हैं कुछ. तो ऑल अराउंड अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी अच्छी बाइक है. अभी तो एक रिव्यू लेने के बाद में बाद ही मैं बता पाऊँगा कि बाइक कैसी है और रोड प्रेजेंस क्या है बाइक की क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी कलर इनहांस कर रही है उस हिसाब से रोड प्रेजेंस बाइक की कलर के हिसाब से ही उभर के आती है. तो लेट्स सी. तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको बाइक के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आप वहाँ जाके इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड फिलहाल के मैं जा रहा हूँ घर. तब तक ले बी सेफ एंड राइड सेफ़.